हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आप सबका स्वागत है GD5 की नई वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकलिन। और गाइस यार, अब यार लॉस्ट राइडर्स में थोड़े दिनों पहले एक यार बुक लॉन्च हुई थी, तो यार जो उस बुक की स्टोरी है ना, जो बहुत ज्यादा तगड़ी है, सारे लॉस्ट राइडर्स वालों का वो स्टोरी यार बहुत ज्यादा बढ़िया लगी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी वो स्टोरी सुनाई जाए, क्योंकि यार वो बुक यार बहुत ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि यार उस बुक में बताया गया कैसे एक नॉर्मल इंसान को मिली यार बहुत सारी तगड़ी तगड़ी शक्तियां। तो यार बिना किसी देरी के यार वीडियो को शुरू करते, तो फटाफट जाकर यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम चलते सीधा स्टोरी की तरफ। तो गाइस हमारी स्टोरी हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा है केविन नाम का। वो यार रोज यार अपने ऑफिस जाता है, एकदम बढ़िया तरीके से काम करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है अपने काम में। पर यार उसको पता नहीं है कि आज के दिन यार उसको बहुत सारी मुसीबतों को सामना करने पड़ेगा। वो तो आपको भी पता चली जाएगा, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अरे यार जल्दी से ऑफिस में जाके कल की प्रेजेंटेशन आज ही खत्म कर देता हूँ। अरे बॉस आप यहाँ? केविन मुझे तुम्हें एक बुरी खबर बतानी है। अरे क्या हुआ? अब इस कंपनी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी से निकालती हूँ। अरे बॉस क्यों, मैंने क्या कर दिया? अरे कुछ किया नहीं है, हमको बस तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे पर क्यों, कोई रीजन दो। मेरे पास कोई रीजन नहीं है, सॉरी, यहाँ से तुम जा सकते हो। और हाँ, वो जो हमारी कंपनी की गाड़ी है वो हमसे मत लेके जाना। अरे बॉस प्लीज मेरे को ऐसा मत करो यार, मैं अपने घर कैसे चलाऊंगा? सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरी जॉब तो चली गयी। तो गाइस यार केविन की यार जॉब तो यार जा चुकी है, कंपनी वालों ने उसको निकाल दिया अपनी कंपनी से। अब यार केविन के पास ना कोई रहने की जगह है, ना कोई कार है ताकि वो चला पाए, क्योंकि यार वो सब कंपनी का था। तो यार वो सब जॉब के साथ जा चुका है। अब यार केविन को समझ नहीं आ रहा वो क्या करेगा यार। अरे मैं क्या करूँ क्या करूँ, अरे एक काम करता हूँ, मैं और कई काम मांगने जाता हूँ। तो गाइस यार उसके बाद यार हमारे केविन ने यार बहुत सारे काम ट्राई किए। उसने ड्राइवर बना पर वो काम नहीं कर पाया। उसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी बॉय बना पर वो पिज्जा डिलीवरी बॉय वाला काम भी नहीं कर पाया। आखिरकार उसको यार कोई ऑप्शन नहीं दिखा, इसलिए वो रोडों पर जाके लोगों से काम मांग रहा था। अरे मैम आपके पास कुछ काम है क्या, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, कोई भी कंप्यूटर चला सकता हूँ। अरे मेरे पास कंप्यूटर का काम तो नहीं है, झाड़ू लगाओगे मेरे घर पे? अरे झाड़ू कितने रुपए मिलेंगे? अरे तुमको 10-20 रुपए दे दूंगी। अरे नहीं सॉरी नहीं करना। तो गाइस वो मुश्किल घड़ी आ चुकी थी, केविन के पास कुछ काम करने के लिए था नहीं, इसलिए उसने सोचा कि यार वो मर जाएगा, उसे जिंदा रहना ही नहीं है। जिंदा रह के मुझे क्या मिलेगा, मेरी जॉब चली गई, मेरा सब कुछ चला गया, मेरी गाड़ी बंगला सब चला गया, मैं जा रहा हूँ मरने। एक सेकंड, यहाँ से थोड़ा नीचे से कूदता हूँ, यहाँ से ज्यादा तेल लगेगी। तो गाइस केविन बस कूदने वाला था कि पीछे से आवाज आती है। अरे बेटा रुको रुको, कहाँ जा रहे ले हो? अरे मैं यहाँ से कूद रहा हूँ, मुझे मरना है क्योंकि मेरी जॉब जा चुकी है। अरे जॉब ही तो गई है, तुम जिंदगी क्यों बेच रहे हो अपनी? अब मैं जिंदा रह करूंगा भी क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न गाड़ी न घर न कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरे बेटा क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो? अरे तभी तो जाके मर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे रहूंगा जिंदा, मैं वैसे ही मर जाऊंगा, इसलिए मैं खुद के मर रहा हूँ। अरे बेटा मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। अरे कहाँ पे लेके चलोगे आप मेरे को? अरे ये क्या, हम कहाँ गए? अरे बेटा मैंने बोला तो एक जगह लेके चलता हूँ। अरे पर बताओ हम ऐसे कैसे आ गए, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? अरे तुम्हें भी ये शक्तियाँ मिल सकती है अगर तुम मेरी बात सुनो तो, और तुम्हें मैं करोड़पति बना दूंगा अगर तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे तो। तो गाइस उसके बाद बड़ा अंकल ने समझाया केविन को कि वो क्या गेम है, उसको यार बहुत सारे जनों को मारना है, जितने वो जने मारेगा उतना वो पावरफुल बनेगा और उतने ही उसको पैसे मिलने वाले। तो यार केविन मान गया उस गेम के लिए। तो यार पहला गेम था यार गन वर्सेस गन, मतलब यार केविन को गन दी जाएगी और उसको मारने होंगे सामने के सारे सारे बंदे, अगर उसने मार दिए तो उसको यार वो गेम जीत जाएगा और उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अरे पर मैंने तो कभी गन चलाई नहीं है, ये ले ये ले ये ले ये ले। अरे बेटा निशाना तो लगाओ। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि भाई हमारा केविन यार बहुत ज्यादा कोशिश कर करके यार उनको बंदों को मार रहा था। अरे मैं पहली बार गन चला रहा हूँ, मेरे से निशाने नहीं लग रहे, रुको मैं पास से जाके मार देता हूँ, ये ले ये ले ये ले ये ले। अरे इसको तो लग ही नहीं रहे, ये ले लगा लगा आया मजा, ये ले मैं ये गेम जीतूंगा और मैं चला जाऊंगा पैसे लेके। अरे बेटा वो अभी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो है रोबोट। अरे ये तो बहुत ही ईजी गेम है, मैं ऐसे करके सबको मार सकता हूँ और मुझे मिलेंगे पैसे, ये देखो मैंने मार दिया, अब मुझे दे दो मेरे सारे के सारे पैसे। अरे बेटा रुको तो सरी, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं तुम्हें शक्तियाँ दूंगा, उससे बनोगे तुम और पावरफुल। अरे ये क्या हो गया मुझे? अरे बेटा
हम तुम्हें शक्तियाँ देते जाएंगे, जैसे जैसे तुम गेम की लेवल कंप्लीट करोगे वैसे वैसे तुम्हें शक्तियाँ मिलती जाएगी। तो गाइस जैसा कि अभी आप सबने देखा कि भाई पहली लेवल कंप्लीट करते ही भाई हमारा नॉर्मल इंसान बन चुका है द सुपरमैन। अभी उसको सेकंड लेवल कंप्लीट करनी है, एक यार बंदे को हराना है। अगर उसको हरा दिया तो उसको और भी ज्यादा शक्तियां मिलने वाली, तो देखते हैं हमारा सुपरमैन उसको हरा पाता है कि नहीं, क्योंकि यार वो सामने वाला बंदा यार बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। अरे बेटा ये जो जेल के अंदर बंद है ना, इसको तुमको हराना पड़ेगा। अगर तुमने इसको हरा दिया तो तुम्हें शक्तियां मिलेगी। अरे ये तो बहुत ही इजी है, अब मैं उड़ सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो मैंने गेम खत्म भी कर दिया। अरे बेटा इतनी आसानी से वो हारेगा नहीं, देखो वो आ गया। अरे इसके पास तो बहुत ही खतरनाक शक्तियां है, मैं कैसे मारू इसको। अरे बेटा तुमको उसको हराना होगा। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख सकते हो भाई सुपरमैन है, लड़ रहा है पता नहीं किससे, पता नहीं कौन सा ही जानवर है, और उसको उठा के फेंक दिया। भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक है सुपरमैन से भी। अब यार सुपरमैन के साथ इतनी सारी शक्तियां नहीं, भाई साहब कितना खतरनाक है वो तो यार। अब यार उसके पास इतनी सारी शक्तियां नहीं, अभी उसको यार जैसे जैसे वो सबको मारेगा वैसे वैसे उसको शक्तियां मिलेगी। और अभी आप देख सकते हो कि भाई सुपरमैन उसको पकड़ के लेके जा रहा है, उसकी गर्दन से ऐसे सीधा लेके जा रहा है, उसको क्या करेगा भाई इसके साथ, और ये फेंक दिया इसको भाई साहब। अरे तेरे को नहीं छोड़ूंगा, ये ले ये ले ये ले। तो गाइस आप देखते हो भाई सुपरमैन को क्या मारे जा रहे भाई, रुक ही नहीं रहा भाई, कम से कम 10-15 punches मार दिए। और ये क्या किया भाई सब, अबे ये को क्या चला दिया इसने, अबे भाई टोर्नेडो निकला था इसके बीच में से। अबे ये देखो वापस से इसकी शक्तियां इधर बढ़ती जा रही है। तो गाइस यार अब यार बुढ़ा अंकल ने यार सुपरमैन को बताया कि भाई साहब यार ये वाला जो उसको सूट दिया था वो है पूरे पूरे $1,000 का। अब यार ऐसे करके उसको मिलने वाले $50 million तक वाले सूट, तो यार इसको अगला जो सूट मिलने वाला है वो है $10 million का। अरे देखो मुझे कितना बढ़िया सूट मिल गया यार। अरे बेटा ये सूट पूरा गोल्ड प्लेटेड है, ये तुम्हारे पंख ये तुम्हारे जूते सारे गोल्ड के बने हुए हैं। अरे भाई ये देखो कितना मजा आ रहा है। तो गाइस अब आने वाला है इसका अगला दुश्मन जिससे लड़ने वाला है, अगर ये जीत गया तो उसे मिलेगा एक और सूट। और भाई साहब ये तो आ भी गया। अरे ये कौन है, अरे ये कौन है, ये तो बहुत मार रहा है मुझे। और भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है मुझे। अरे भाई क्या उड़ा उड़ा के फेंक रहा है इसको, और ये सुपरमैन ने बहुत ही बढ़िया पंच दिया। अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं इसको, अरे ये क्या चला गया। और भाई इसने भी पंच दिया भाई, क्या उड़ते हुए जा रहा है भाई हमारा सुपरमैन तो, इधर उधर रगड़ते हुए, अरे फिर से रगड़ते हुए। और यहाँ पे ना लेजर फेंकी पर उसको कुछ असर ही नहीं हुआ, इसने उठा के पटक दिया उसको। और यहाँ पे लेजर चलाई फिर से पर कुछ नहीं हुआ, इधर उधर लेजर चल दिया, आखिरकार उसके ऊपर लेजर चली पर उसको कुछ असर ही नहीं हुआ। यार ये वाला सूट तो सुपरमैन का बहुत ही तगड़ा है, पर यार सामने वाला जो बंदा है वो तो और भी खतरनाक है। और ये सुपरमैन ने पूरा प्लेन उठा लिया और उसके ऊपर फेंक दिया, और ये हमारा खत्म हो चुका है लगता है। अरे नहीं भाई नहीं खत्म हुआ, और इसको उड़ा दिया वापस से। अरे ये मरता क्यों नहीं है, इसको मेरे प्लेन फेंक के मारा पर इसको कुछ नहीं हुआ, अब इसके ऊपर बड़ा प्लेन फेंक के मारूंगा। तो गाइस यार इससे क्या हमारा मर पाएगा, पर नहीं। अरे भाई ये तो सुपरमैन को ही लग गया, और वो तो मारे जा रहे हैं। अब सुपरमैन इसको धो रहा है, और ये मारा एक और मारा, और ये भाई साहब तो मारे जा रहे, और ये खतरनाक वाला पंच, और भाई साहब पूरे ग्राउंड में छेद कर दिया इसने तो, और वो मर चुका है। आखिरकार हमारा यार सुपरमैन जीत चुका है। अरे देखो मैं इस बार भी जीत गया, अब मुझे अपना नया सूट दो और नया दुश्मन। अरे बेटा मेरी बात सुनो, जो तुम्हारा अगला दुश्मन है ना वो बहुत ही खतरनाक है। अरे बुढ़ाऊ मुझे किसी से डर नहीं लगता, फटाफट से मेरा नया सूट दो। ऐसे तुम्हारी मर्जी। तो गाइस अभी मिल चुका है सुपरमैन को उसका तो अल्टीमेट सुपरमैन सूट, जो कि है पूरे के पूरे $50 million का। या तो यार सुपरमैन उससे अपने दुश्मन से लड़ ले, या तो उसको बेच दे, पर यार सुपरमैन ने डिसाइड किया वो अपने दुश्मन से लड़ेगा। और उसका दुश्मन आ चुका है भाई साहब, कितना खतरनाक पंच मारा उसको। अरे ये कौन है, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, पर मैं इससे ज्यादा खतरनाक हूँ। तो गाइस अब देखते हैं हमारा सुपरमैन इससे लड़ पाता है कि नहीं, क्योंकि यार ये है अल्टीमेट सुपरमैन और हमारे साथ है अल्टीमेट अपना दुश्मन। तो यार देखते हैं इसमें से कौन जीतता है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, फटाफट जाके कमेंट बता दो। अरे इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, ये ले ये ले। और गाइस यहां पे सुपरमैन इसको मारते हैं, भाई कितना बड़ा है भाई साहब, इसके नाक में तो देखो भाई कीले लगी हुई, और एक डंडा मारा खिंचा के। अरे मुझे लगता है अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी। अरे भाई 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 ये क्या किया इसने, और भाई उसको देखो तो सर वो उड़ते हुए जा रहा है बिल्कुल नीचे, और भाई भाई नीचे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक शक्ति है इसके। एक और भाराशाही कर दिया उसको तो इसने भाई साहब, वो कांचा लग गया।
अरे भाई उसने फिर भी इसको मार रहा है। अबे मुझे लगता है उसको कुछ असर ही नहीं हो रहा, पर हमारे सुपरमैन भाई मार नहीं रहा, उसको मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, मारते जा रहा है। अरे मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा गेंडे, ये ले। अरे ये क्या कर रहा है, ये तो मुझे मर ही नहीं रहा। अरे भाई मार दिया। और गाइजर की लड़ाई तो बढ़ती जा रही है और इसको फिर से मार रहे, फिर से मार रहे। भाई मुक्के खा रहा है हमारा मोटा गेंडा, भाई क्या मार रहा है इसको, क्या मार रहा है। अरे भाई साहब, और ये वापस से वो पावर का यूज किया और वो पता नहीं कहाँ जा चुका है, उसके तो दो तीन टुकड़े हो चुके हैं। यानी कि यार वो गेंडा सुर हार चुका है और जीत चुका है हमारा द सुपरमैन, अल्टीमेट सुपरमैन, $50 मिलियन वाला सुपरमैन। अरे मैंने तो बोला ही था मैं जीतूंगा, बुढ़ाओ कहाँ गया। अरे चलो मैं स्पेस चला जाता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, बता यार कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और हमारा सुपरमैन जा रहा है अभी स्पेस में, पता नहीं क्यों उसको स्पेस में जाना है, इसको शौक है पता नहीं किस चीज का। तो गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो। और गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।